नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने की प्रेस वार्ता। 1 मार्च को हांसी में होगी इनेलो की राज्य स्तरीय रैली। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सीमा पर जवानों को देश के साथ साथ परिवार को भी होती है चिंता। जवानों के परिवार के कल्याण के लिए की जाएगी बड़ी घोषणा। वहीं SYL पर भी बोले अभय सिंह चौटाला, नहर की खुदाई की बजाय सरकार कर रही है डैम बनाने की बात, जो कि पूरी तरह से कागजों में डैम बना हुआ है। अभय सिंह चौटाला बोले कि सरकार से हर वर्ग दुखी है। PLP संशोधन बिल पर भी अभय सिंह चौटाला ने एक बयान दिया, अपने चहेते बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है ये बिल। आप देख रहे हैं पल पल शीर्ष से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा कि 1 मार्च को हांसी में इंडियन नेशनल लोकदल की राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला संबोधित करेंगे। उन्होंने दावा किया कि यह रैली रिकॉर्ड तोड़ होगी। अभय सिंह चौटाला आज सिरसा स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। 1 तारीख को हांसी के अंदर हमारी पार्टी की तरफ से राज्य स्तरीय रैली होने जा रही है। रैली की सारी तैयारियां संपूर्ण कर ली गई। अब तक जितनी भी रैलियां इस प्रदेश में हुई है, हमारी ये जो रैली है उस सब का रिकॉर्ड जो लोग लगातार कांग्रेस के, BJP के और दूसरे राजनीतिक दलों के लोग ये कह रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर कहीं कमजोर हुई है, 100% उन लोगों को बहुत करारा जवाब इस रैली के माध्यम से मिलेगा। और फिर एक बार हरियाणा प्रदेश के लोग इस बात पे मोर लगाएंगे कि आज भी लोगों का अथा विश्वास अथा प्यार स्नेह चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के प्रति है। चौटाला साहब उस रैली को संबोधित करेंगे। जहां रैली को संबोधित करेंगे वहीं आज देश की सीमाओं की पहरेदारी करने वाले जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, जिनको आज दो जगह की चिंता सताती है, एक तो अपनी देश की सीमाओं की चिंता करते हैं और दूसरी तरफ वही नौजवान अपने घर की भी चिंता करता है। घर की चिंता इसलिए ज्यादा होती है उसको कि पीछे बूढ़े माँ बाप भी होते हैं, उसकी बहनें भी शादी के लायक होती हैं, कहीं उसे अपने बच्चे को कैसे पढ़ाना लिखाना, कैसे उसकी परवरिश करना, उसकी भी चिंता होती है। एक तो कैसे नौजवान को इस बात का भरोसा हो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने के बाद तू इस चीज के लिए चिंता मुक्त हो जाएगा। उसके लिए एक बड़ी घोषणा करेंगे, गेस्ट के टीचर का बिल आया। बड़ी हैरानी की बात है, बिल ला करके गेस्ट के टीचर की तनख्वाह भी बढ़ाई, केवल ये कह दिया कि 58 साल तक हम इस गेस्ट के टीचर को रखेंगे, जबकि उनकी डिमांड तो केवल एक ही है कि हमें पक्का किया जाए, हमारी अगर क्वालिफिकेशन कम है तो हमें तनख्वाह कम दी जाए। उनकी क्वालिफिकेशन भी तो दूसरे टीचर्स के बराबर है, उससे भी कहीं ज्यादा क्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन कितना बड़ा भेदभाव सरकार कर रही है। अगर सरकार की मंशा साफ और ठीक होती तो 100% बिल ऐसा लेकर के आते कि इन सबको सरकारी नौकरी के अंदर शामिल करती और इसके साथ साथ नई जो 40,000 पोस्टें टीचर की वैकेंट पड़ी है उनके लिए सरकार ऐलान करती कि हम जल्दी से जल्दी उन पोस्टों को भरने का काम करें। वो तो एक कैसे, जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 और 6 के नोटिस देकर के किसान की महंगी जमीन को सस्ते में बेचने पर मजबूर किया, बिल्डर को कैसे ज्यादा पैसा मिले, कैसे उसमें हिस्सेदारी हो, कैसे इनके अपनी जेब भरे, इसके लिए उन्होंने 10 साल प्रदेश को लूटने का काम किया। और अब BJP ने, आप ये मान के चलो 100%, अगर अरावली की पहाड़ियों के ऊपर से बरकत काट दिए जाएंगे
तो गुड़गांव जो मिलेनियम सिटी के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिसको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार ने विकसित किया था, उस गुड़गांव में आज की तारीख में भी पॉल्यूशन की वजह से लोगों के सामने दिक्कत है। लेकिन उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए गुड़गांव से लेकर फिर आगे अरावली की जो पहाड़ियां हैं, जो गुड़गांव फरीदाबाद पीछे से आती है और आगे निकल जाती है, वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कुछ हद तक कंट्रोल करने का काम करती है। अगर वहां पे दरखत साफ कर दिए जाएंगे तो गुड़गांव मिलेनियम सिटी के नाम से नहीं जानी जाएगी, गुड़गांव फिर सबसे पॉल्यूटेड सिटी के नाम से जानी जाएगी। ये भी केवल कैसे बड़े लोगों को मालोमाल किया जाए, कैसे बिल्डरों को पंपाया जाए, कैसे सरकार अपना उल्लू सीधा करे, इसमें इसके लिए इस किस्म का बिल लेकर के आई। मैंने तो ये बिल आने से पहले ही, क्योंकि मुझे आशंका थी इस बात की, मुझे बताया था किसी ने कि कोई ये बिल आ रहा है, मैंने तभी मुख्यमंत्री के सामने हाउस में ये बात रखी थी कि आप एक बिल लेकर के आ रहे हो जिसकी वजह से आप सारा दिन तो कहते हो पॉल्यूशन खत्म हो, पॉलीथीन खत्म हो, और दूसरी तरफ आप उन चीजों को बढ़ावा रोज देते जा रहे हो। अगर अरावली की पहाड़ियों से दरखत हट गया तो पॉल्यूशन बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाएगा, फिर गुड़गांव में लोग रहेंगे नहीं, फिर गुड़गांव से शिफ्ट करेंगे, माइग्रेट करेंगे, पलायन करेंगे, जाएंगे छोड़कर।